दोस्तों क्वेश्चन आप सुनिए, दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 16, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न दिया आप सामने, संख्या ज्ञात कीजिए, और एक प्रश्न और है कि उनका अनुपात क्या होगा, फिर कह रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि पहला इसमें एक प्रश्न में आपके तीन तरह के प्रश्न बन रहे हैं, और कई तरह के बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको तीन तरह के प्रश्न बताने जा रहा हूँ कि तीन तरह का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक तो संख्या ज्ञात होगी, ज्ञात करेंगे हम, दूसरा उनका अनुपात ज्ञात करेंगे, तीसरा उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो कैसे भी आपको पूछ सकता है, तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल कन्फ्यूजन में ही मत होइएगा किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। देखिए इसमें आपको वो भी पूछ सकते हैं, बड़ी संख्या क्या है, छोटी क्या है। अब दोस्तों अगर आपको ये देखना है कि अगर यहाँ योग दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो बड़ी निकालना है आपको, क्या निकालना है, बड़ी। जो बड़ी निकालना है आपको में संख्या है, सबसे पहले दो तीन तरीके, बहुत सारे तरीके, लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट आंसर एक सेकंड में। अगर बड़ी निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के दो का भाग लगा दो। देखो 40 प्लस 16 बटा 2 कितना होगा, 6 और 5 56 बटा 2, 2 दून 4 ने 2 8 16 28, ये बड़ी संख्या आ गई। बड़ी संख्या कौन सी आपकी, 28 होगी, एक सेकेंड में आ गई। अब छोटी निकालना है तो इनको घटा के दो का भाग लगा दो, 40 16 बटे 2, 10 में से 6 गए तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2, 24 बटा 2 यानी कि 12, ये छोटे से एक सेकंड में आपका आंसर आ गया। बड़ी और छोटी निकालने का एक ऐसा तरीका है कि आप एक सेकंड में निकाल लेंगे। अगर बड़ी निकालनी तो दोनों जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, छोटी निकालनी दोनों घटा दो 2 का भाग लगा दो, एक तरीका तो ये होगा शॉर्टकट तरीका। एक तरीका होगा ए प्लस बी सी निकाल सकते हैं आप, देखो कि ए प्लस बी बराबर 40, चेक करके देख लेते हैं, ए माइनस बी बराबर 16, तो ये कट गया, 2a बराबर 6, 4 ने 5, ए बराबर इसमें 2 का भाग लग गया तो 2 दूनी 4, 2 8 16, ये कमाल आ गया। और यहाँ पे ए प्लस बी का मान 28 प्लस बी बराबर 40, तो बी बराबर 40 माइनस 28 बराबर 12, ये नाम इससे भी आ गया, इससे भी आ गया। तो आप इस तरीके से 28 और 12 आया, इससे भी 28 और 12 आया। तो एक तो तरीका ये होगा, एक तरीका है, दो तरीके इसमें आपको सिखा दिए, जो आपको अच्छा लगे वो निकाल सकते हैं, आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इनका अनुपात क्या हुआ, 28 बटे 12, तो 4 से कटी, 4 चार 12 यानी कि अनुपात 7:3 होगा। इनका अनुपात क्या होगा, 7:3 होगा, अनुपात भी अपने निकाल लिया। फिर कह रहे हैं उनका गुणनफल, तो 28 × 12, तो 12 × 96 का 6 ऐसे लाए 9, 12 × 2 = 24, 24 + 6 = 30 और 3 = 33, ये इनका गुणनफल हो गया। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, एक तो संख्या बड़ी और छोटी निकालना एक सेकंड में सीख लिया, इनको ए प्लस बी के सूत्र से निकालना वो भी अपने सीख लिया, और अनुपात निकालना वो भी सीख लिया, गुणनफल निकालना वो भी सीख लिया, और बड़ी संख्या छोटी संख्या कितनी बड़ी है वो भी निकाल सकते हैं। अब आप बताइए बड़ी संख्या छोटी से कितनी बड़ी है, इसके लिए कमेंट कीजिए, बड़ी छोटी से कितनी बड़ी है, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, बड़ी संख्या छोटी से कितनी बड़ी है ये कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।